प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुर्बानी और बकराईद के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताने वाले हैं। उनको आप लोग ध्यान से सुने। कुर्बानी के शरीकों में अगर एक भी काफिर बदमजहब शामिल हो जाए या किसी एक का भी मकसद कुर्बानी नहीं करना हो बल्कि गोश्त हासिल करने का हो तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। बदमजहब हो या काफिरों के ज़िबा किए गए जानवर का गोश्त हराम और मुर्दार है। जिसे भी कुर्बानी करना हो तो मुस्तहब ये है कि पहली तारीख से कुर्बानी करने तक ना हजामत बनवाए ना ही नाखून कटवाए। कुर्बानी के बड़े जानवर में अकीका भी किया जा सकता है। एक और बात याद रखें, जो शख्स जितने साल तक साहिब निसाब रहेगा उस पर हर साल कुर्बानी वाजिब होगी। जैसा कि घर में अगर चार लोग हैं और अगर वो चारों चाहें वो साहिब निसाब हैं तो चारों पर कुर्बानी वाजिब है। ऐसा ना करें कि एक साल एक के नाम की कर दें, दूसरे साल दूसरे के नाम की, तीसरे साल तीसरे के नाम की, इसी तरह चौथे साल चौथे के नाम की। ऐसा ना करें, बल्कि अगर चारों साहिब निसाब हैं तो चारों पर कुर्बानी करना वाजिब है और हर साल वो कुर्बानी करें। एक और बात याद रखें कि कुछ लोग कुर्बानी की नीयत से जानवर तो खरीद लेते हैं लेकिन अगर उनका कोई करीबी या अजीज बाहर हो और कुर्बानी के मौके पर वो घर वापस नहीं आता तो जो लोग जो होते हैं घर में वो कुर्बानी मुलतवी कर देते हैं, यानी कुर्बानी नहीं करते हैं। ये तरीका निहायत गलत है। वाजिब फौत होने से सब गुनहगार होते हैं, किसी का इंतज़ार हरगिज ना करें। कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म बजा लाने के लिए है, किसी अजीज़ के लिए नहीं है। एक और बात याद रखें, जो लोग निहायत कीमती जानवर की कुर्बानी नाम और दिखावे के लिए करते हैं वो रिया है और कबूल नहीं है। कभी कभी जानवरों की कीमत 5 लाख से 10 लाख, 50 लाख और यहाँ तक के 1 करोड़ तक पहुँच जाती है या उनको सोने चांदी के जेवरात पहनाकर अपनी शान दिखाई जाती है तो ऐसे अमल इखलास को बर्बाद कर देते हैं। इतनी कीमत से कई लोगों के वाजिबात अदा किए जा सकते हैं। एक कीमती छोटे जानवर की जगह एक बड़े जानवर में हिस्सा लेकर ज़्यादा लोग अपने वाजिबात अदा कर सकते हैं। एक और बात याद रखें, कुर्बानी चाहे अपनी तरफ से हो या किसी मैयत की तरफ से हो, उसका गोश्त तो खुद भी खा सकते हैं और अपने अजीज़ों, दोस्तों, मालदारों, गरीबों और मोहताजों सबको खिला सकते हैं। लेकिन अगर कुर्बानी मन्नत या वसीयत की है तो इसमें से ना खुद खाएं और ना मालदारों को दें बल्कि सब गोश्त का सदका कर दें, गरीबों में सदका कर दें। कुर्बानी का गोश्त तोल कर 7 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अंदाज से तकसीम करना मुनासिब नहीं, यानी जो लोग बग़ैर तोले गोश्त को बांटते हैं तो ऐसा करना मुनासिब नहीं है बल्कि गोश्त को तोल कर जो है बांटना चाहिए। इसी तरह उससे कम ज़्यादा नहीं होगा और ऐसा करना भी दुरुस्त है। अपने हिस्से के गोश्त या बकरी के गोश्त को तोल कर 3 हिस्से करना ज़रूरी है जिससे गरीबों का हिस्सा 1/3 से कम ना हो जाए। उसके बाद अगर कोई चाहे तो अपने हिस्से का सब गोश्त या अपने हिस्से में से भी कुछ गोश्त सदका कर सकता है और अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों को भी भेज सकता है। प्यारे दोस्तों, एक हिस्सा मिस्किनों, गरीबों के लिए होता है, दूसरा हिस्सा जो होता है वो अपने अजीज़ों, अकारीब, दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए होता है और तीसरा हिस्सा अपने लिए रखें। गोश्त के ख़ास ख़ास हिस्से जैसे कलेजी, गुर्दे, चाक वगैरह अलग कर लेना दुरुस्त नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों, मसाकिनों, फ़कीरों और यतीमों से निहायत मोहब्बत फरमाते थे और उनकी मदद करते थे। जब आप अपने प्यारे आका की सुन्नत कुर्बानी में अदा कर रहे हैं तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों को ना भूलें, उन्हें नज़रअंदाज ना करें। अपनी कुर्बानी के गोश्त का 1/3 हिस्सा मुस्तहिक लोगों को तलाश करके उन तक पहुँचाएँ। गरीबों का हक मार कर तमाम गोश्त अपने अमीर दोस्तों, रिश्तेदारों में तकसीम करके ये तमाम गोश्त अपने फ्रिज में भरकर हफ्तों तक खाने का इंतज़ाम न करें। कुर्बानी की रूह को मजरूह न करें।
ऐसा भी ना करें कि आपने सारा गोश्त अपने फ्रिज में भर भर कर रख लिया या अपने खास खास मालदार रिश्तेदारों में भेज दिया, बल्कि गोश्त का सही इस्तेमाल करें, इसको सही जगह पहुंचाएं। एक और बात याद रखें कि कुर्बानी एक अहम दीनी फरीजा है, एक अहम सुन्नत है। इसका गोश्त काफिरों को देना या खिलाना हरगिज जायज नहीं है। गैर मुस्लिम साथियों, गैर मुस्लिम नौकरों, गैर मुस्लिम धोबियों, बच्चों की टीचर्स वगैरह को या किसी भी गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना हरगिज जायज नहीं है। अगर मजबूरी हो तो बाजार से खरीद कर उन्हें खिला दें। जहां कुर्बानी में हजारों रुपये खर्च कर रहे हों, वहां 100 या 200 रुपये बाजार के गोश्त पर भी खर्च करके अहकाम शरीयत की पाबंदी कर सकते हैं। किसी का हदिया वापस ना करें। प्यारे दोस्तों, ये बहुत अहम बात, अपने भाई के किसी भी किस्म के हदिये को वापस करना, उसका दिल दुखाना या उसको हकीर समझना, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। अक्सर लोग ये कहकर कुर्बानी का गोश्त वापस कर देते हैं कि हमारे यहाँ बहुत गोश्त है, फ्रिज भरा हुआ है। ऐसा कहना या ऐसा करना कभी भी दुरुस्त नहीं। ऐसी सूरत में आप अपने भाई का हदिया तो ज़रूर कबूल करें, चाहे बाद में आप उसको किसी दूसरे इंसान को दे दें, लेकिन उस वक्त अपने भाई का हदिया ज़रूर कबूल करें। किसी का गोश्त वापस ना करें। कुर्बानी के गोश्त का हदिया हो या कोई दूसरा तबर्रुक, अक्सर लोग कहते हैं कि फलाने हमारे यहाँ नहीं भेजा, हम उनको क्यों भेजें। हदिया देने में या अपने भाई के साथ किए गए किसी एहसान का बदला चाहने में मोमिन की शान नहीं, और ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है। एक और बात, बेहतर यह है कि कुर्बानी की खाल, झोल, रस्सी, हार वगैरह सब सदका कर दें। चमड़े को अपने इस्तेमाल में लाया जा सकता है, मसलन जाय नमाज बिछोना, पानी का डोल वगैरह बना जा सकता है, लेकिन खाल बेचकर कीमत अपने इस्तेमाल में लाना जायज़ नहीं। अगर खाल बेच दी तो उसकी कीमत दीनी कामों में लगा सकते हैं, और दीनी मदरसों को, मसाजिद के इमाम और मुअज्जिन को बतौर जो है वो हदिया दिया जा सकता है, मगर तनख्वाह में ना दी जाए कि ये हम तनख्वाह दे रहे हैं। ऐसा न करें, बल्कि अपनी खुशी से आप उन्हें दे सकते हैं। खाल का पैसा अहले सादात को, उलमाए किराम को, मस्जिद और कब्रिस्तान को, मुर्दे की तदफीन, जो मैयत का खर्च वगैरह आता है उसमें दिया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, यही कुछ ज़रूरी बातें हम आपको बताने वाले थे। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।